जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभाओं की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी समेत कई स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए अपना माहौल बनाने में अब लगने वाले हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी इस बार सत्ता की आस में है और सरकार बनाने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा, जो राज्य में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी सभाओं के आयोजन की तैयारी है, जिसमें मोदी छत्तीसगढ़ को लेकर के बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। ये घोषणाएं चुनावी माहौल का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने की बड़ी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर, रायगढ़ और बस्तर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सरगुजा और राजनांदगांव इलाके में प्रधानमंत्री की सभा अब आयोजित करी जाएगी। सियासी जरूरत को भांपते हुए जगह तय कर दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को भाजपा अपने मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करना चाहती है। इसी कड़ी में पिछली सभाओं में आई भीड़ ने बीजेपी को कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया था। बिलासपुर में डीजे और पावर जोन अगर बचता है तो इनको राजसात किया जा सकता है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जहां 40 डीजे और धुमाल की जब्ती हो गई है। नवरात्रि पर भी पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद नवरात्र त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने डीजे और धुमाल संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नवरात्रि में तेज आवाज में डीजे पावर जोन बजाने पर जब्त कर कुर्की की कार्यवाही कर दी जाएगी। गणेशोत्सव के दौरान 40 डीजे की जब्ती ऑलरेडी हो चुकी है। एसपी संतोष सिंह ने बताया था कि नवरात्र पर्व के दौरान डीजे बजाने वाले वाहनों को भी जब्त कर परिवहन विभाग को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से आने वाले डीजे और धुमाल को रोकने और साथ ही जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। 10 करोड़ रुपए की लागत से कलर ड्रॉपर रडार घंटे भर पहले ही बादलों की चाल बता देगा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला है। बादलों की गति और दिशा के साथ ही उसके गरजने और बरसने का सटीक अनुमान अब घंटे भर पहले से ही लगाया जा सकता है। 10 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किए जाने वाले भारत मौसम विज्ञान विभाग के कलर डॉपलर रडार के नए साल में एक्टिव होने की संभावना है। 250 किलोमीटर के दायरे में होने वाली आसमानी हलचल का अनुमान लगाने के लिए इस रडार का काम शीघ्र शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मौसम की सटीक अनुमान लगाकर बिजली, बारिश जैसे किसानों को होने वाले नुकसानों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में कलर डॉपलर रडार लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रडार की स्थापना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में की जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इसे एक्टिव करने का काम वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने आखिरकार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कवर्धा से उन्होंने पर्चा भरने से वाले पहले प्रत्याशी बन चुके हैं। हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी के विजय शर्मा से इनका सीधा मुकाबला होने वाला है। कवर्धा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने बीते दिन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान वे काफ़ी सादगी के साथ कबीरधाम कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कबीरधाम की दोनों विधानसभा सीट से अकबर को छोड़कर अभी तक किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं भरा है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में मोहम्मद अकबर ने कहा था कि उन्होंने आज नामांकन जमा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया था, जहां कवर्धा विधायक प्रत्याशी नाम ऐलान होने के बाद पहली बार वे सोमवार को कवर्धा पहुंचे थे, जहां स्वागत में इनके जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मोहम्मद अकबर ने कहा है कि अभी तक जितनी बार भी नामांकन इन्होंने दाखिल किया है, काफ़ी सादगी पूर्वक किया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल तक विकास का काम किया और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे।
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में दो दिनों के अंतर्गत 24,000 विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं, जिसके लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो चुका है। वहीं बात करें तो अभी तक 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने प्रवेश पत्र निकाल लिए हैं। सिर्फ 8,000 विद्यार्थियों को ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करना बाकी है। पूरक परीक्षाएं आगामी 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जिसके मद्देनजर विद्यार्थियों को जो है अपने प्रवेश पत्र 19 अक्टूबर तक डाउनलोड करने होंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ये डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्रों को लेकर कई बार संशोधन अभी तक विश्वविद्यालय ने किया हुआ है, इसीलिए जरूरी है कि विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा के एक दिन पहले अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लें, ताकि केंद्र को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बिलासपुर में 151 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई, जहां नवरात्रि पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। पदयात्रा करके माता रानी को ये चुनरी भेंट कर दी गई है। बिलासपुर में बीते दिन 151 मीटर लंबी चुनरी बना करके पदयात्रा निकाली गई और माता रानी को समर्पण भेंट किया गया, जहाँ धर्म जागरण मंच के बैनर तले आयोजित किए गए इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। दरअसल बात करें तो धर्म जागरण मंच देवरी खुद ने गदा चौक से लेकर के इस यात्रा की शुरुआत की थी। महिलाएं चुनरी को लेकर संत रविदास चौक खालेपारा होते हुए सदबहनिया मंदिर के पास मेन रोड होकर दुर्गा मंदिर, अटल आवास और फिर गदा चौक के पास पहुंची। इसके बाद चुनरी को माता रानी को अर्पण किया गया। फिल्मी डायलॉग्स और गानों से जनता का मन मोहने का काम अनुज शर्मा कर रहे हैं। युवतियों और महिलाओं में सेल्फी लेने की होड़ भी मचती नजर आ रही है। दरअसल भले ही वोट मांगने के लिए निकले हो, लेकिन ग्रामीणों ने तो पहले ही, वे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए हीरो हैं, क्योंकि ये बात हो रही है छत्तीसगढ़ के धर्म खरसिया से। यहाँ पर जो है उतरे धरसीवा से उतरे माफ कीजिएगा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ फिल्मों के सुपरस्टार अनुज शर्मा के प्रचार अभियान की। धरसीवा सीट से नाम तय होते ही भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा अब अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पिछले दिनों नवरात्रि के अवसर पर ग्राम तेंदुआ के शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर इन्होंने लोगों से मुलाकात की थी, जहां भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने धरसीवा विधानसभा के ग्राम तेंदुआ, गोमची, गुमा, इसके अलावा बानाकारा और बेंद्री में लोगों के साथ जाकर मुलाकात की थी, जहाँ लोगों के द्वारा पहले इनको जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म के एक्टर के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, फिर उसके बाद इनको विधायक प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है, जहां चुनावी चांदी को पकड़ने का दौर जारी है। अब बात करें तो 7 किलो चांदी एक बार फिर से बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाकर चेकिंग पॉइंट बना रही है, जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने सिरगिट्टी क्षेत्र के तिफरा काली मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी, और इसी दौरान पुलिस ने सिरगिट्टी क्षेत्र के तिफरा और काली मंदिर के पास एक निजी वाहन की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस को 7 किलो चांदी के पायल मिले। साथ ही बीते दिन की बात करें तो यहाँ पर किलो के भाव में यहाँ पर सोने के जो जेवरात हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा युवक के पास चांदी के पायल रखने के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन युवक कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करके इन सभी तमाम जेवरात को जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपये बताई जा रही है। बिना प्लॉटिंग टेस्ट करे लगभग हजारों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया। स्मार्ट सिटी इंजीनियर ने कहा कि टेस्टिंग के लिए पानी बहाना जरूरी होता है। सड़कों पर हजारों लीटर पानी बहते ये तस्वीर रायपुर की है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जहां बिना प्लानिंग जल्दबाजी में नई पाइपलाइन की टेस्टिंग करने के कारण बीते दिन रात शहर में पानी का जो सड़कों पर जमावड़ा है वो यहाँ पर दिखाई दिया। शारदा चौक से लेकर मालवीय रोड, मोती बाग चौक और फिर नगर निगम जोन 4 ऑफिस में आने जाने वाले ज़्यादातर स्थानों पर यही हाल रहा। इस संबंध में जब रायपुर नगर निगम के MIC सदस्य और जल विभाग के अध्यक्ष सतनाम सिंह पनाग से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि शहर में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक अमृत मिशन योजना के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, और दूसरा रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर से किया जा रहा है। शहर अभी निगम की ओर से भी टेस्टिंग का काम कर रहा है।
सड़कों में जो पानी बह रहा है वह रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा किए गए कार्यों का है। MIC सदस्य सतनाम सिंह पनाग ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी बिना कुछ जानकारी दिए इस तरह की टेस्टिंग करते रहते हैं, जिसके कारण लोगों को भी परेशानियां होती है। अगर शहर में टेस्टिंग हो रही है तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को नगर निगम के जल विभाग को इसके लिए जरूर सूचित करना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा कोई भी यहां पर इस प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर खबर आ रही है, जहां पूरा देश मां शक्ति की आराधना में लीन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की भी शुरुआत हो चुकी है और इसके तहत शनिवार को काछन गाढ़ी की रस्म भी अदा कर दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन जोगी मिठाई का विधान भी पूरा किया जा चुका है। वहीं सोमवार को इस महापर्व के आकर्षण का केंद्र रथ परिक्रमा की भी शुरुआत हो चुकी है। इस रस्म में आदिवासी पारंपरिक औजारों से बनाए गए विशालकाय रथ की शहर परिक्रमा करवाई जाती है। तकरीबन 40 फीट ऊंचे रथ का ग्रामीण जो है यहां पर पहिया खींचते हैं। बता दें कि बस्तर में रथ परिक्रमा की शुरुआत 1410 ईस्वी में तत्कालीन महाराजा पुरुषोत्तम देव ने की थी, जो कि अभी तक चली आ रही है। इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा करके रथपति उपाधि की प्राप्त की थी। तभी से दशहरे के दौरान रथ परिचालन की परंपरा चली आ रही है और आने वाले दिनों में ये और भी बड़े रूप में होने वाली है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को धक्के मार करके इटली भेजा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री को कांग्रेसियों ने बाहरी प्रत्याशी बताया तो ये विवादित बयान इन्होंने जारी कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहत क्षेत्र में कहा कि पहले सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेजें, इसके बाद मुझसे सवाल करें। इन्होंने कांग्रेसियों के बाहरी बताए जाने को लेकर किए गए सवाल पर विवादित बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा की प्रत्याशी रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा अविभाजित कोरिया मेरा मायका है। भरतपुर में मेरे पिता ने नौकरी की, प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम किया, समाज कल्याण मंत्री के रूप में उपलब्धियां हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कई काम किए हैं। रेणुका सिंह ने कहा कि वे ससुराल क्षेत्र में विधायक, सांसद और मंत्री के सफर को पूरा किया। मुझे विश्वास है कि मायका भरतपुर क्षेत्र का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। द कपिल शर्मा शो की बुहरी को यहां पर छत्तीसगढ़ का इलाका भाया है, क्योंकि एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने कहा कि मौका अगर मिलता है तो हॉलीवुड में जरूर काम करेंगी। द कपिल शर्मा शो में भूरी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती को पहली नजर में छत्तीसगढ़ भाग गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वाटरफॉल और हरियाली देख करके गदगद हो गई। जहां यहां वे सड़कों की खूब तारीफ करती नजर आई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करने का मौका अगर मिलता है तो वे जरूर काम करेंगी। सुमोना बिलासपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। जहां सुमोना चक्रवर्ती ने अपने स्ट्रगल और थिएटर पर चल रहे रस्साकस्सी को लेकर के खुलकर चर्चा भी की थी। बेस्ट सेल्फी रील्स और फोटो को मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज का इनाम, जहां रायपुर जिला प्रशासन ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। @RayPurDistrict पर आप इनको टैग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दो चरण यानी कि 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इस चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य लेकर निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कई बड़े कैंपेन्स चला रहा है और इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता महाभियान थीम पर एक प्रतियोगिता भी आयोजित करी है। रायपुर जिला प्रशासन ने फोटोग्राफी, सेल्फी और रील मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये कंपटीशन 17 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। और अब खबर जगदलपुर से आ रही है, जहां नक्सलियों ने शॉर्ट फिल्म बनाकर के चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। मणिपुर हिंसा और आदिवासियों को लेकर के इन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, जहां पर ग्रामीणों से इन्होंने एक्टिंग करवाई है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। तकरीबन 6 मिनट 50 सेकंड की इस फिल्म में ग्रामीणों से क्षेत्रीय बोली में यानी गोंडी भाषा में एक्टिंग कराई गई है। इसके जरिए नक्सलियों ने प्रत्याशी के चुनाव जीतने से लेकर सरकार बनने और मणिपुर हिंसा समेत स्थानीय मुद्दों को भी उजागर किया है।
छत्तीसगढ़ में एक नई पार्टी हमर राज पार्टी ने अपने 19 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जहां भानु प्रतापपुर से रिटायर्ड DIG को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में भाजपा, कांग्रेस और बसपा साथी आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के लिए हमर राज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीएड करने वाले युवाओं की दिलचस्पी में 200% का इजाफा होता नजर आया है, जहां 3500 सीटों के लिए तकरीबन 1.5 लाख उम्मीदवार अभी कतार में नजर आ रहे हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स के लिए विद्यार्थियों की रुचि में लगभग 200% की बढ़ोतरी हो गई है। एक एक सीट के लिए जबरदस्त मारामारी है। अब बीएड में प्रवेश का आखिरी राउंड शेष बचा है और ऐसे में जद्दोजहद आखिर तक बढ़ गई है। दुर्ग जिले के तकरीबन 32 बीएड कॉलेज है, जहां 3500 सीटों के लिए इस साल तकरीबन 1,58,000 विद्यार्थियों ने अपने फॉर्म भरे हैं। इतने ही आवेदन काउंसलिंग के लिए भी आए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो बीएड और डीएलएड की कुल 21,000 सीटों के लिए इस साल 4,00,000 आवेदन पत्र मिले हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुने हैं। बीते साल तकरीबन 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे।